अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चने दाल बनाऊंगी पालक डाल के। और एक कप मैं चने दाल ली हूँ, उसमें टमाटर डाल रही हूँ और आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है, हल्दी है हाफ टी स्पून, एक तेज़पत्ता डाल रही हूँ। अब बड़ी इलायची है, इसे अच्छी तरह चला के मैं चूल्हे पे चढ़ाऊंगी, 3 सीटी लगाऊंगी इसमें। देखिए मैं हमारा चने दाल गल चुके हैं। चलिए अब साग मैं काट ली हूँ, अच्छी तरह धो ली हूँ। इसमें मैं सरसों तेल डाली हूँ, तेल गर्म हो जाएगा फिर इसमें मैं ज़ीरा डालूँगी और प्याज डालूँगी स्लाइस किया हुआ, 2 प्याज है, लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें टमाटर, हरी मिर्च डालूँगी 2, थोड़ा सा चला लूँ अच्छी तरह। और इसमें अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। बहुत टेस्टी बनती है ये दाल। नमक डाली हूँ, मिर्च है 1/2 टीस्पून और हल्दी भी है 1/2 टीस्पून। अब इसको भून ली हूँ मसाले को। अब इसमें साग डाल ली हूँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ क्योंकि साग ज़्यादा नहीं पकाना है। अब चने दाल को मिला दूंगी साथ में, पानी से खंगाल के भी डाल दूंगी, अच्छी तरह से मैश कर लूँ। बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब दाल बनकर तैयार है। इसमें ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ। आप रोटी चावल के साथ खाइए, बहुत मज़ेदार लगता है। और अब मैं कवर करके पकाई हूँ। देखिए अच्छी तरह से पक चुके हैं दाल, रेडी है हमारे दाल। मैं सर्विंग बाउल में निकाल के दिखा रही हूँ। वाओ, हेल्दी दाल हमारी तैयार है। गाइस आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं कढ़ाई चढ़ाई हूँ तड़के के लिए। इसमें घी डाली हूँ 1 चम्मच, चॉप किया हुआ गार्लिक लहसुन डाली हूँ, सूखी मिर्च डाली हूँ 2, हींग डाली हूँ। अब इसे गैस बंद करके कुटी लाल मिर्च डालकर अब मैं दाल में मिलाऊंगी। बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है। मेरी दाल तड़के वाली तैयार है। और आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।